आज शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास खुद का कोई बिजनेस आइडिया ना हो या फिर जो खुद का बिजनेस शुरू ना करना चाहे। हाउ अबाउट दिस कि अगर एक फिल्म के द्वारा, एंटरटेनमेंट के द्वारा आपको सिखाया जाए कि आप खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई। मुझे मौका मिला दो दिन पहले एक प्रेमियर पर जाने का जिस फिल्म का नाम है मेड इन चाइना। हम इस सूप को पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। उसके डायरेक्टर मिखिल मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त, और वहाँ पर मुझे उस फिल्म से 5 ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे लगता है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी के लिए अपना ले तो आप भी एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तुम एक दिन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनोगे। तुम्हें सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बस। फर्स्ट लेसन, कोई भी फेलियर के बिना सक्सेसफुल आज दिन तक नहीं हुआ। आप अगर वॉल्ट डिज्नी को याद करें, एक ऐसे इंसान जिन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों को जाकर अपना डिज्नी का प्लान शेयर किया, मगर किसी ने उनका सपोर्ट नहीं दिया, और 300 के बाद कोई उनको ऐसा मिला कि जो उनको फाइनेंस दिया, सपोर्ट किया, और डिज्नी कंपनी की शुरुआत हुई। इस फिल्म के अंदर राजकुमार राव एक गुजराती बिजनेसमैन का रोल प्ले करते हैं, और जो काफ़ी सारे बिजनेसेस में फेल होने के बाद अल्टीमेटली एक ऐसे बिजनेस तक पहुँचते हैं कि जिस बिजनेस में वो सक्सेसफुल हो सके। जब मैंने मिखिल से ये पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, एक मेहनत, एक फोकस पॉइंट से करो लाइफ में, हमें चाहिए एक कॉस्ट, एंड अगर लाइफ में कुछ मेहनत ना हो, व्हाट विल यू प्लान, इज देयर एनी प्लान टू फिर कितने भी फेलियर्स हो जाए बस वहीं पहुंचना है। आई थिंक सो रोड इजी हो जाता है, देयर इज मोर क्लैरिटी, मेहनत करते हैं अपनी मेहनत करती है, बिकॉज यू नो दैट उन्होंने भी अपना यही मंत्रा शेयर किया कि एक बार कोई चीज पर आप फोकस करें, बस उसके ऊपर लगे रहो, प्लान ए इंपॉर्टेंट है, प्लान बी की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप लगे रहे तो आपको जरूर सफलता मिल सकती है। दूसरा लेसन, जब आप इस दुनिया में आए तो क्या भगवान ने आपके नाम से कहीं पर कोई बैंक अकाउंट खोल कर रखे थे कि सामने से आकर कोई आपको पैसा देने वाला है? अगर नहीं तो यारो, बात बहुत सिंपल है, जब तक आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उसे वो नहीं देते जो उसकी ज़रूरत है, तब तक सामने से आकर कोई आपको पैसा नहीं देने वाला है, और इस वजह से बिजनेस आइडिया के दम पर खड़ा होता है, उसके लिए एक्चुअली पैसों की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास एक दमदार आइडिया है तो ज़रूर उसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिल्म के अंदर एक मेटाफर दिया गया है कि कस्टमर जो है वो एक लॉक है और उसकी चाबी आपके पास होनी चाहिए। कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, तुम बन गए एंटरप्रेन्योर। यानी कि ये चाबी जो है वो सल्यूशन है, और जो लॉक है वो कस्टमर के पेन या प्रॉब्लम्स है। अगर आप कस्टमर की नीड को खोजे और उसे सल्यूशन प्रोवाइड करे, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो फॉर श्योर आप भी सफलता पा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तीसरा लेसन, हमेशा मोटिवेटेड रहना, इंस्पायर्ड रहना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ को शुरू करना आसान है, बंद कर देना उससे भी ज़्यादा आसान है। मैंने कितनी बार देखा है कुछ लोग खुद का बुक लिखना शुरू करते हैं, मगर बस 2 लेसन्स लिख पाते हैं और बुक हमेशा अधूरी रह जाती है। कुछ लोग बिजनेस शुरू करते हैं मगर वो प्रोजेक्ट या वो मॉडल आधा ही अटक जाता है, या फिर एक दुकान का काम शुरू तो किया मगर वो दुकान में जिस एनर्जी से शुरुआत हुई थी, 2 महीने के अंदर वो सारी हवा निकल जाती है। इस फिल्म के अंदर राजकुमार मेक श्योर करते हैं कि वो मोटिवेशन लेते रहे, इंस्पिरेशन लेते रहे। आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, राइट? अब आप अगर ये वीडियो उसके अंदर देख रहे हैं तो आप इस मोबाइल को एक वीडियो गेम खेलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इंस्पिरेशन पाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। सो पहले तो बता दूँ कि मैं खुद स्नेह सर का फैन रह चुका हूँ। हम लोग कॉलेज टाइम पे हमारे लेक्चर्स के बाद स्नेह सर के मोटिवेशन सेशन अटेंड करने जाते थे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो क्या बिजनेस करने का कोई इंस्ट्रक्शनल मैनुअल आपके पास है? शायद नहीं, और इस वजह से अगर कोई कंसल्टेंट को हायर करना पड़े, कोई स्ट्रैटेजिस्ट को आपको साथ रखना पड़े जो आपको आइडियाज दे कि कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, तो वो करना चाहिए। जैसे मेड इन चाइना फिल्म के अंदर
परेश रावल उनके स्ट्रैटेजिस्ट बनते हैं कि जो उन्हें हेल्प करते हैं समझने में कि एक्चुअली बिजनेस को कैसे वो 10x पर लेकर जा सकते हैं। और वो एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट बताते हैं कि प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका सेल्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बेचना आता हो तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। सूट तेरी कहानी, वर्दी तेरा हीरो, कहानी को नहीं हीरो को बेच। फ्रेंड्स, अगर आपको भरोसा है अपनी प्रोडक्ट पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, मगर आपको सिर्फ एक चीज रोक रही है। अगर आप उसे बेचना नहीं जानते हैं, आप उसका मार्केटिंग नहीं जानते हैं, तो फॉर श्योर एक अच्छी प्रोडक्ट भी मार्केट में दिखने नहीं वाली है। और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें सेल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है। लेसन 4, जब मैं सेल्स की बात कर रहा हूं तो मार्केटिंग और सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? अवेयरनेस, ब्रांड क्रिएट करना। अब ये ब्रांड शब्द आज के ज़माने में इसकी डेफिनेशंस बदल रही है, बट मेरा ये मानना है कि आज कॉन्सेप्ट सेलिंग की दुनिया में हम जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को बेचने जाएंगे तो वो इंसान आपको देखकर ही भाग जाएगा, लेकिन अगर वो सामने से खरीदने आए तो? अब आप कहेंगे, सर यही तो दिक्कत है, हम बेचने जा रहे हैं, कस्टमर सामने से नहीं आ रहे हैं। दैट इज बिकॉज कि आप उसे अगर ये दिखाएंगे कि आप अपने फायदे के लिए आए हैं, उससे पैसा लेने के लिए आए हैं, तो वो भागने वाला है। लेकिन आपको उसे नॉलेज देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि जिससे वो राजी हो जाए आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक LED लाइट बेचने को जाएंगे तो दिक्कत है, मगर आप सामने वाले को रियलाइज कराए कि LED लाइट से उनका लाइट बिल कितना कम हो सकता है, या फिर आपकी सोलर पैनल लगाने से उसका इलेक्ट्रिसिटी कितना बच सकता है और गवर्नमेंट का सब्सिडी कैसे मिल सकता है, या फिर आप उसे समझाए कि ये जो अल्कलाइन वाटर है उसे पीने से उसकी हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो सामने से आकर के वो अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर या जो मशीन है वो खरीदने वाला है। सो बात बहुत ही सिंपल है, इंफॉर्मेशन दीजिए, नॉलेज दीजिए, अवेयरनेस लाइए। इस फिल्म के अंदर डॉक्टर वर्दी का रोल प्ले कर रहे हैं बोमन ईरानी, और जो एक इंफॉर्मेशन दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, जिससे सामने से उनकी प्रोडक्ट की नीड और डिमांड बढ़ रही है। अपना मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है ना जो सब गुप्त रोगों का इलाज है, प्रोडक्ट मेरा, पेशेंट आपके, मुनाफा दोनों का। 5th लेसन, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है तकलीफें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लोग अपोज नहीं करेंगे, ये सब कुछ तो होना है। इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग मैसेज दिया है, हिम्मत रखिए, करेज रखिए, और उसको प्रॉपर शब्दों में, मैं फिल्म की भाषा में कहूँ तो बॉल्स ऑफ स्टील। यस माय डियर फ्रेंड्स, लोग पत्थर भी मारेंगे और गालियां भी देंगे, अगर आप उसका सामना ना कर सके तो मैं कहूंगा कि आप बिजनेस करने के लायक ही नहीं है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, एक पिता और उसके बेटे एक गधे को लेकर जा रहे थे। पहले गांव से गुजरे और गांव वालों ने कहा कि देखो 3 गधे जा रहे हैं, एक गधा है तो भी दोनों चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को बिठा दिया। दूसरे गांव से जब गुजर रहे थे तब गांव वालों ने देखा और कहा, कितना बेशरम बेटा है, अपने बूढ़े बाप को चला रहा है और खुद बैठा हुआ है। तो उसके बाद वो बेटे ने अपने पिता को उस गधे पर बैठा दिया। तीसरे गांव से गुजरे गांव वालों ने देखा और कहा कि कितना बेशरम बाप है, अपने बच्चे को, मासूम से बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद आराम से बैठा हुआ है। चौथे गाँव से गुजरने से पहले वो दोनों गधे पर बैठ जाते हैं और गांव वालों ने देखा और कहा, कितने जानवर जैसे लोग आज बन चुके हैं जो एक गधे के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, दोनों उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब मुझे बताइए ऑप्शन क्या रहा, शायद 5वें गांव से गुजरते हुए तो दोनों को गधे को अपने सिर पर उठा लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, लोग बातें करेंगे, लोग हर एक चीज को अपोज करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बिजनेस एथिकली कर रहे हैं, आप सबकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कर रहे हैं, अगर अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के द्वारा किसी का भला हो रहा है, अगर आप पैसा बना रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से, तो परवाह ना कीजिए कि लोग क्या कहते हैं,
आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं जरूर रेकमेंड करता हूँ आप सभी को इस फिल्म को देखने के लिए, मगर इसका ट्रेलर देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैमिली फिल्म नहीं है, बट मैं आपसे जरूर कहूंगा इस फिल्म को अंत तक देखिएगा। इसके अंदर एक मैजिक सूप की बात हो रही है जो काफी लोगों को एडल्ट लग रहा है, मगर मैं कहूंगा कि फिल्म को अंत तक देखकर उसका जो मैजिक इंग्रेडिएंट है, सीक्रेट रेसिपी, उसे जानिएगा। और फिल्म का जो लास्ट सीन है उसमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस समाज के लिए दी गई है, तो मुझे जरूर लगता है कि एक फैमिली फिल्म है, क्योंकि आज अगर ये इंफॉर्मेशन आप अपने बच्चों तक ना पहुंचाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत रास्तों से वो इन चीज़ों को सीखने वाले हैं, और बेहतर होगा कि क्यों नहीं हम सही तरीके से एक सही मैसेज उन तक पहुंचाए। तो जरूर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है उसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए।